एवरीवन, मैं हूँ प्रीति वारी। प्रीति वारी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बीच मांग के साथ मैसी बन हेयर स्टाइल, हाई बन है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हेयर स्टाइल काफ़ी यूनिक एंड अमेजिंग सा ब्यूटीफुल सा लुक देगा आपको। कोई भी ड्रेस पहनिए आप, सबके साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। इंडियन वेयर के साथ पार्टी में, शादी में आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। बड़ी बड़ी बालियों के साथ भी काफ़ी अच्छा लगेगा, जबकि मैंने झुमका पहना हुआ है, बट आप बालियों के साथ भी बहुत प्यारा लगेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरीके की नई नई वीडियो के अपडेट आप लोगों से मिस ना हो इसके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है सिलाई कोच प्रीति वारी, जिसपे मैं सिलाई से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। तो आप जाके इस पर चेकआउट कर सकते हो। सिलाई की जो बारीकियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज़ जाके मेरे सेकेंड चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। उस पर मुझे 900 करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 100 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जिससे मैं उस पर लाइव आके आप लोग को कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड बारीकियाँ समझा पाऊँगी। तो बहुत बातें होगी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्टा आई डी PreetiWari24 है, तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। तो इस हेयर स्टाइल के लिए आपको सबसे पहले थोड़े से हेयर्स को लेना है अपने फ्रंट से, इस तरीके से। ओके, ईयर के पास से मैंने यहाँ से इस तरीके से हेयर लिया है और इस साइड से इस तरीके से लिया है। और यहाँ पे आपको बीच मांग निकालनी है इस तरीके से। ओके, और इसको कॉम कर लेना है ऐसे करके। ओके, अब यहाँ पे आपको एक रबड़ लगाना है पतला वाला। ओके, चौड़ा भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है, बट रबड़ को हाइड कर देना है जब आप बन बनाओगे, तो पतला वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मांग अभी निकल नहीं रही है बट निकल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रबड़ लगा दिया है, रबड़ बैंड को टाइटली खींच लिया है देन। और हाँ, मैं अपना वीडियो शूट करने के लिए और पार्लर के में काम लगवा रखा है, वही उसी का शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, ठक 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 पूरा, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और पार्लर कंप्लीट हो जाता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसका वीडियो। और इस तरीके से बालों को आगे से खींचना है और यहाँ से जो आपके हेयर निकल रहे हैं उसको निकाल दीजिए ताकि लुक अच्छा आए आपके बालों का। तो देख सकते हो काफ़ी इजीली आपका मैसी सा पफ भी बन गया है एंड आपका बीच का मांग भी निकल गया है। यहाँ पे जितनी लेयर्स आपको निकालनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके फेस पे कितना सूट करता है। अब जो आप पीछे से हेयर खींचोगे ना, तो यहाँ से आपको टाइट नहीं करना है, नीचे से हेयर को लेना है इस तरीके से और यहाँ से आपके बालों को टाइट करना है। ओके, तो ये भी टाइट हो गया। अभी ये वाला पोनी हटा देंगे हम लोग। इस पोनी को मैं आगे की तरफ सेट कर दे रही हूँ ऐसे, बाद में मैं इसको ओपन कर लूँगी। अब बाकी सारे बालों को ऊपर की तरफ लेके जाना है और एक और रबड़ बैंड से इसको हाई पोनी बना लेना है। जो आपने पहले रबड़ लगाया था ना, एकदम उसके पास में। ओके, प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि काम चल रहा है और ये काम कम से कम 10 दिन चलेगा और मैं वीडियो शूट ना करूँ तो आप लोग को वीडियो का वेट रहता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पोनी बना ली है। अब इसमें मैं रबड़ बैंड लगा देती हूँ। ओके, अब ये वाला पोनी ओपन करेंगे। और जो आपका ये पोनी था इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपली इसको एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर देना है इस तरीके से। अब बारी आती है आपको बन को बनाने का, कैसे बनाना है। आपको सिंपली थोड़ा थोड़ा हेयर इस तरीके से खींचना है ताकि इसमें बहुत ज़्यादा मैसी सा लुक आ जाए। ओके, आप ये बन खुद से भी बना सकते हो, सबसे अच्छी बात तो ये है इसका। और यहाँ से थोड़ा सा हेयर पकड़ के और इस तरीके से खींच देंगे और इसको सिंपली जो आपने पोनी बनाई है इसके ऊपर ऐसे लपेटेंगे और यू पिन से इसको सेट कर देंगे।
ओके, अब पीछे वाले हेयर्स को लेंगे, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। अब वन पार्ट जो हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसमें से वन पार्ट्स को फिर अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपली इसको भी इस तरीके से ट्विस्ट करते जाएंगे। अब इसमें जब आप ट्विस्ट कर रहे हो तो साथ साथ में ही खींचते जाइएगा, एकदम पतला पतला सा लेयर्स निकालना है। सॉरी, उल्टा ट्विस्टिंग करने लग गई मैं। फिर इस तरीके से पूरा ट्विस्ट कर लीजिए और जब आप खींच रहे हो ना बालों को, तो एकदम पतला पतला लेयर लेके खींचिए। ओके, इस तरीके से ताकि जब आप बनाओ तो आपके बन का परफेक्ट लुक आ पाए। फिर से यहाँ से थोड़ा सा हेयर इस तरीके से खींचना है और बन को ऊपर तक लेके जाएंगे और जो आपने पहले बन बनाया हुआ है इसके नीचे से इस तरीके से लेके आएंगे और इसको रबड़ बैंड के, जो हमारे ये रबड़ बैंड है, यहाँ से इसके नीचे से लेके जाएंगे और इसको यू पिन से सेट कर देंगे। काफ़ी बड़ा सा, छोटे बालों में भी पतले बालों में भी ये हेयर स्टाइल काफ़ी सुंदर दिखने वाला है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लगा दिया है। अब फिर से जो हमारा लेयर बचा हुआ है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ट्विस्टिंग करेंगे। ओके, फिर से इसको खींचेंगे इस तरीके से। अब इसको इस साइड से लेके आएंगे और यू पिन से सेट कर देंगे। तीन चार यू पिन्स आप लगा लीजिएगा ताकि आपका बन बिल्कुल भी खुले ना और लॉन्ग टाइम तक टिका रहे आपका ये ब्यूटीफुल सा बन। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पतले हल्के बाल हैं, लंबे बाल हैं तो भी बहुत प्यारा लगेगा। मुझे काफ़ी कमेंट आता है, मैम पतले हल्के बालों के लिए बन बताइए, तो ये हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिसके भी पतले हल्के बाल हैं, बहुत पतले हैं, लंबे भी हैं, उनको हेयर स्टाइल नहीं समझ में आती है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस वीडियो से और वो काफ़ी सुंदर सा बन क्रिएट कर पाएंगे। शादीशुदा हैं और कुंवारी लड़की हैं तो भी ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा, साड़ी पहनती हैं या फिर सूट पहनती हो। वाह, अभी आप चाहो तो साइड साइड से भी अपने बालों को थोड़ा थोड़ा खींच के अच्छा सा लुक दे सकते हो, थोड़ा सा वॉल्यूम दिखेगा बालों में इसके लिए। और ये हमारा बन चुका है, बन के रेडी हो गया है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरा बन ये वाला? आई होप कि अच्छी लगी हो और वीडियो समझ में आया हो कि कैसे बनाया है मैंने, बहुत इजी है। और जरूरी नहीं कि जैसे मैं बता रही हूँ प्रॉपर आपको बनाना है, आपको जैसे इजी लगे उस तरीके से आप बना सकते हो। हाँ, बस एक तरीका सा बता देते हैं हम लोग जिससे कि आपको आसानी हो जाए हेयर स्टाइल बनाने में। तरीका पता चलेगा तो आपको जहाँ से खींचना है, जैसे खींचना है, लेयर्स निकालने हैं, वैसे ही बनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है बन का फाइनल। ये है मेरा बैक से बन का लुक। कैसी लगी वीडियो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।